तस्वीरें आप देख रहे हैं आरसपुरा बिश्ना अपडेट पर चक अवतारा पंचायत से। पंचों के नतीजे आना लगभग शुरू हो चुके हैं। हमारे पीछे हैं, आप देख सकते हैं, जीत हासिल की है गणेश दत्त शर्मा जी हैं, चक अवतारा से है पंचायत, पटियाड़ी गांव है इनका। पंच तौर पर जीत हासिल की है, बातचीत करते हैं इनसे। बातचीत करें गणेश दत्त शर्मा जी, आप पंच के तौर पर जीत हासिल की है आपने, कितनी खुशी है? मेरे को बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे को इतना वो सपोर्ट वगैरह किया। मैं उनको उनका शुक्रिया अदा बड़े अच्छे ढंग से करूंगा। तो आप पे कहीं ना कहीं लोगों ने एक उम्मीद जताई है, आप पे भरोसा किया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपने क्या सोच विचार अब आगे के लिए बनाया है? देखो ना, मैं चाहूँगा जो भी उनकी प्रॉब्लम है सभी सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। जो उनकी बाथरूम हो गया, गलियाँ वगैरह हो, मैं जितना हो सके मैं करूँगा काम उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा लोगों के धन्यवाद के लिए आप क्या शब्द यूज करेंगे जिन्होंने आज आपको वोट देकर आपको जीत हासिल करवाई है? मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो ये दर्शकों, आप देख रहे थे चक अवतारा पंचायत से पंच के तौर पर जीत हासिल हुई है चक अवतारा पंचायत से, पटियारी गांव के वार्ड नंबर 2 से जे गणेश दत्त शर्मा जी पंच के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और जीत हासिल हुई है। उसके बाद जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। तो सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्ना अपडेट पर चक अवतारा पंचायत से। अगले कुछ ही देर के बाद सरपंच के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्ना अपडेट पर चक अवतारा पंचायत। पंच उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं गणेश दत्त शर्मा जी।